आज पता है क्या हुआ, आज मैं जैसे ही बाहर निकली घर से, और हालांकि वहां पर डेली मैं निकलती हूँ, पानी देती हूँ, ये बिल्कुल घर के बाहर, ये मैं बैक यार्ड में बैठी हुई हूँ, वो फ्रंट यार्ड की बात कर रही हूँ, फ्रंट की तरफ। तो जैसे निकली तो पता नहीं कैसे मेरा पैर ऐसा टर्न हो गया और मैं गिर गई। गिरी भी इतनी बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से गिरी, लेकिन ये शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। क्योंकि ये आज सुबह की बात है, तकरीबन 8-9 बजे की। अभी हमारे पास शाम के तकरीबन मेरे ख्याल में हुए हैं 4 बज रहे हैं। तो बच्चे सब सोए हुए थे, अभी सैटरडे था तो कोई उठे थे कोई नहीं उठे थे। तो मैं अंदर आई फौरन, पहले पानी वानी नहीं दिया गार्डन को, उसको छोड़ दिया पहले, अंदर आई। फिर मैंने सबसे पहले जो काम किया वो गई आई हमारे किचन में। हमारे किचन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। उससे उन चीज़ों में से एक जो बेहतरीन चीज़ है वो है हल्दी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, किचन में आई, एक छोटी सी प्याली उठाई, ये देखें छोटी सी प्याली उठाई, उसमें हालांकि मेरी अम्मी क्या करती थी, इसमें कभी कभी दूध डाल के पकाती थी और कभी कभी उसके अंदर ऑयल डाल के इसको पकाती तो नहीं थी, समझो गर्म करती थी सही तरह, लेकिन आप इसको पानी में भी कर सकते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम पानी में इसको ट्राई किया, पानी डाला, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून जितना पानी डाला और 1 टेबल स्पून फुल भर के हल्दी डाली, उसको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म किया। पहले तो माइक्रोवेव नहीं थे तो मेरी अम्मी जो है वो चूल्हे पे गर्म करके फिर लगाती थी। तो अभी मैं आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ कि मुझे, मैं गिरी तो बहुत बुरी तरीके से लेकिन बच गई, जख्म इतना बड़ा हुआ। तो उस पर आके उसको मैंने पहले साफ किया। कोशिश करें कि एंटी सेप्टिक जो हो उसे आप साफ करें, जो मिल जाते हैं बाज़ार से, जो हमारे दवाइयों की दुकानें हैं उस पर मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसको साबुन से और पानी से इसको पहले वॉश करके, ताकि अगर बाहर मिट्टी है या कोई किसी जगह पे आप गिरे हो जहाँ पर ऑयल है मिट्टी है तो आपकी स्किन पे अगर लगी हो तो उसको ज़्यादा ख़राब नहीं करें। उसके बाद साफ़ कर लिया मैंने, फिर मैंने आज आपको मैं वो तरीका दिखा रही हूँ मेरी अम्मी करती थी। हालांकि इसको लगाने के लिए वो जो वाइट पट्टियाँ आती है जिसको गौज बोलती हैं, ये देखें गौज, वो तो मैंने नहीं लगाई। मैंने क्या किया कि जो मेरी अम्मी का तरीका था, मेरे पास पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो आज मैं ये ट्राई करती हूँ। तो जो अम्मी हमें करती थी, मेरी अम्मी, तो पुराने कपड़े में से मेरा ही खुद का ही शर्ट था गर्मियों का, ये देखें, ये मैंने फाड़ा, दिखाती हूँ मुझे कैसा लगा है ये। ये देखें, ये इतना बड़ा जो है वो आप देख रहे होंगे, पूरा स्किन तो पूरी उसी टाइम पे उतर गई, क्योंकि वो सख्त ज़मीन थी जिसके ऊपर मैं गिरी थी, तो ये स्किन पूरी उतर गई और ये जो है वो हल्की सी सोजन भी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि मैंने फ़ौरन से आके उसी टाइम पे 5 मिनट के अंदर आके हल्दी को गर्म करके मैंने लगा लिया। हल्दी का पेस्ट बनाया, उसके अंदर ये ड्रिप किया, इसके ऊपर ये रखा और फिर इसके ऊपर ये पट्टी बांध। तो मेरा मकसद ये है बताने का आपको कि हमारे घर में देखें ऐसी कितनी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, हल्दी है, अजवाइन है, ज़ीरा है और बहुत सारी चीज़ें, फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी रात को, सुबह को मैंने और क्या किया, तो हमारी तो बचपन से आदत है हम पीते हैं, तो 1 कप में दूध गर्म किया और 1 कप में मैंने शहद डाली और थोड़ी हल्दी डाली 1/2 टीस्पून, और वो गर्म गर्म दूध उसके अंदर डाला, उसको मिलाया और पी लिया। तो क्या है कि अगर वो गिरने से अगर मुझे इसमें घुटने में तकलीफ नहीं हो, चलने में तकलीफ नहीं हो, और 1 कप वापस मैं रात को पी लूँगी, ठीक है ना। तो जब हमारे घर में ये नेचुरल चीज़ें होती हैं तो फिर हम बाज़ार की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने घर की जो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने सेहत के लिए उससे बेनिफिट लें, उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और आपको खुदा न खास्ता अगर कभी किसी को कोई जख्म हो जाता है, कोई यानी कि ये लगाने के लिए भी अच्छा है और खाने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो हल्दी है वो एक बहुत ही अच्छा पेन किलर है। यकीन करें ये आप पियेंगी तो आपका जो जिस्म में दर्द है, इवन जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनके हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। और फिर कुछ लोगों को जो है वो दूध में हल्दी डाल के पीना अच्छा नहीं लगता है, नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप क्या करें, एक थोड़ा सा बड़ा स्पून लें, उसमें एक हाफ टेबल स्पून या फुल 1 टीस्पून जितनी शहद डालें, हनी डालें, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक पिंच जो है वो ब्लैक पेपर ज़रूर डाला करें, तो आप वो उसके उनको मिक्स करके और आप चाट लें वो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक स्पून सुबह को, टी स्पून फुल भर के, और 1 टीस्पून रात को सोने से पहले। ये सस्ता, आसान और हर चीज़ आपके घर में मौजूद है, और वो भी नेचुरल, और फिर इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। ये आपने स्किन पे लगाया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखते रहिए। कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी जो है वो आपको टिप्स बताऊं हेल्थ के बारे में, स्किन के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।